नमस्कार, मैं भूपत नायक। आप देख रहे हैं कि ये बिहार घाट के ऊपर का है जो आयल अभी ये गिर रहा है। देखना चाह रहे हैं कि ये जो टंकी है जो आयल देख कहीं ये छेद या टूटा हुआ है, जिससे ये आयल पूरा देख सकते हैं। कितने रोड अभी यहाँ के जो अभी ये मार्ग है, ये अमरकंटक से जतहरी अनूपपुर शहडोल तरफ जाने वाली मार्ग एकमात्र एक मार्ग है जहाँ आयल अभी रिसाव हो रहा है, गिर रहा है, जिससे अभी कितने अभी यहाँ आने जाने के लोग अभी बाधित हो रहे हैं। रास्ता अभी यहाँ से अभी कोई गाड़ी नहीं निकल पा रही है। यहीं से देखते हैं कि यहीं के जो लोग हैं जो इनसे पूछते हैं ये कब की घटना है। सर क्या नाम है आपका? तो सर ये जो आयल जो फूट हुआ है तो ये कैसे कब की घटना है ये? एक मिनट। तो आज ही का है, ये सुबह की घटना है। सुबह की घटना है सर। इसमें देखा जाए तो अभी तक गाड़ी नहीं जा रही है, कैसे क्या है ये, कैसे होगा, कैसे उसके बारे में आप कहाँ से आए हैं? मैं तो थाने जतहरी से गाड़ी खड़ा। अच्छा, थाने जतहरी से। आप देख सकते हैं कि यहाँ के अभी थाने से भी आए हुए हैं। यहाँ से जो रास्ता है अभी आने जाने के जो मुसाफिर हैं उसको अभी आने जाने का अभी रास्ते ये रास्ते में अभी गाड़ी नहीं जा पा रही है, अभी बाधित कर दिया गया है। और यहीं के लोग हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दीप नारायण शर्मा, थाने जतहरी जी। तो सर ये कैसे हुआ? ये हमको सुबह सुबह पता चला। हाँ। तो वैसे हम जतहरी थाने के से यहाँ के लिए रवाना हाँ। हुए हाँ। और ये पता चला कि रास्ते में गाड़ी पेड़ से टिकी हुई है, उसका आयल पूरा हाँ। गिर रहा है। तो हम लोग तुरंत इधर आ करके देखे, पूरी रोडों में क्या है, जाम लगा हुआ था हाँ। उसी की व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग आए हैं। अभी जेसीबी मंगवाए हुए हैं, 15-20 मिनट बाद शायद रोड क्लियर हो जाएगा जी। और ये जो आयल है इसमें डस्ट डलवा करके रोड में इसको क्लियर करवा जाएगा, रास्ते को फिर से क्लियरेंस दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आयल है, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो आयल का जो रोड की स्थिति है वो दिखाए कि कैसी स्थिति है रोड का। देख सकते हैं कि यहाँ कोई गाड़ी अभी आने जाने में असमर्थ रहेगी। आयल हो या पूरा आयल गिरने के कारण गाड़ी आगे तक नहीं जा रही है। आप देखेंगे कि किनारे आ जाओ, आप चप्पल पहनिए, आप किनारे आ जाओ, जूता में है तो आप देखेंगे कि ये स्थिति है। एक गोबरी जो गोबरी मार्ग है वो बिहार से राजेंद्र ग्राम रूट है, वहाँ देखेंगे कि ये रोड की स्थिति दिखाना चाहेंगे कि कैसे जाम लगी हुई है। यहाँ मत आइए। देखेंगे, आप आगे चल के देखते हैं कि कितना जाम है। रोड की स्थिति देख लीजिए, कैसी स्थिति है इस रोड में, कैसे आप सोच सकते हैं कि चलने में ये स्थिति है। तो जो दो पहिया गाड़ी है या फोर व्हीलर है, कोई भी साधन अभी यहाँ से बाधित है। अभी देखते हैं कि कब तक बाधित रहेगा ये रोड है। देख यहाँ आने जाने में लोगों को भारी मुश्किलें हैं। अब देख सकते हैं कि कितना जाम लगा हुआ है, अभी कोई गाड़ी नहीं जा रही है। ये स्थिति बनी हुई है जो राजन ग्राम मार्ग जो बिहार घाट है वो स्थिति, वो रास्ते का स्थिति देखा है। देखेंगे कि ये आयल देखिए कितना बहा हुआ है, कितना गिरा हुआ आयल है, जिससे अभी ये गाड़ी आने में कितनी समस्या होगी। ये रोड कब तक चालू होगा? ये एक मार्ग जो किरण घाट है वो बाधित हो जाने के कारण ये डायवर्टर मार्ग है जो राजन ग्राम जतहरी होते अमरकंटक जो जाती है वही एक मार्ग, एकलौता मार्ग है यही है जो जतहरी होते जाते अनूपपुर जाएगी, शहडोल जाएगी, यही मार्ग है जो देख सकते हैं कि उसकी स्थिति है। आखिर अभी गाड़ी जाम लगा हुआ है, अब यहाँ कोई आने जाने में लोग अभी इस रास्ते से अभी बंद कर दिया गया है। अभी देख सकते हैं कि ये आयल कहाँ तक, देखो कितना आयल गिरा हुआ है, जिससे ना बाइक जा पा रही है, ना गाड़ी जा पा रही है, ना कुछ जा पा रहा है। ये देख सकते हैं कि कहां तक आयल गिरा हुआ है। देखेंगे कि आयल कहां कहां, देखिए इसमें कब तक ये रोड बाधित रहेगा, कब तक चालू होगा, अभी कुछ बता नहीं। देखिए जो बाइक जा रही है उसमें आने जाने में फिसलन होती है। आप देखेंगे कि ये जो रोड है, देखेंगे कि कैसी फिसलन हो रही है। हमें तो चलने में ऐसा हो रहा है, तो आखिर गाड़ी कैसे जाएगी। देखेंगे ये स्थिति है रोड का। आप देखेंगे कितना भीड़ लगा हुआ है उधर, देखेंगे अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, वही देखिए कितना आयल पूरा रोड में गिरा हुआ है। आखिर ये रोड में जो आखिर आने जा कब तक ये चालू होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी देखेंगे कि कब तक ये चालू है, ये मार्ग होता है, कैसे इस मार्ग में राहगीर कैसे जाएंगे,
देखेंगे कैसी स्थिति बनी हुई है इस रोड की ना। आप देखेंगे कि जो पैदल में ये हालत है जो गाड़ी में या इसमें वो कैसे जाएंगे इस स्थिति में। देखते हैं इन लोगों से पूछते हैं, भैया आपका क्या नाम है? तो सर ये कैसे हुआ, कैसे कहाँ जा रहे थे आप? हम तो जा रहे हैं अचलपुर। अचलपुर जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं आप? बाइक से। अच्छा बाइक से, कितने घंटा हो गया आपको रुके? अभी तो कम से कम हमको 10-20 मिनट होगा। अच्छा 10-20 मिनट हुआ है। तो सर आप जो आप किससे जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी खड़े हैं कैसे? अब वही तो देख रहे हैं, अब जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा क्योंकि पूरा रोड भर आयल आयल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि रोड में पूरा आयल आयल है। तो आप देखेंगे कि ये रोड की स्थिति है, इनसे जानना चाहेंगे। सर आपका क्या नाम है? कहाँ जा रहे थे आप? अच्छा राजेंद्राम जा रहे थे। आप किससे अभी जाएंगे? आप बाइक से हैं। बाइक से हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि रोड में जो काफी आयल है इससे तो बाइक चल नहीं पाएगी। तो आप कैसे जाएंगे, कब तक वेट करेंगे, कैसे? देखते हैं भाई कितने समय लगते हैं। तो आप देख सकते हैं जो किरण घाट बाधित होने के कारण ये डाइवर्टेड मार्ग है। तो ये डाइवर्ट एकमात्र मार्ग है जो अमरकंटक जतहरी अनूपपुर शहडोल को जोड़ती है, वो मार्ग है। देखेंगे ये आयल, देखिए कितना दूर तक आयल गिरा हुआ है। लोगों को क्या क्या समस्या, सर आपको क्या, जैसे ये आयल गिरा हुआ जैसे क्या अभी क्या समस्या हो रही है आपकी? अभी तो आने जाने में बहुत समस्या है, लोग सब फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आने जाने में कितनी समस्या हो रही है। आपको दिखाएंगे कितना आयल गिरा हुआ है, तब कहाँ तक गिरे हुए हैं आपको सब दिखाएंगे। देखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है जो बिहार घाट, आप देखेंगे जो बिहार घाट में काफ़ी एक्सीडेंट भी होता रहा है कि आप देखेंगे आज ये स्थिति आ गई है कि रोड भर पूरी आयल ही आयल हो गई है। लोगों को आने जाने में कैसे, आप देखेंगे कि कैसे चलने में कितनी समस्या हो रही, तो गाड़ी में कैसी समस्या होती होगी आप खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, कितना आयल रोड में गिरा हुआ है। आप देखेंगे कितना आयल गिरा हुआ है, लोगों को क्या क्या समस्या हो रही है आप जानेंगे। देखिए कि कितनी वो हो गई है, आगे बसें बाधित कर दिया गया कि यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, कहे कि आगे आयल है, आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो ये रोड अभी बंद कर दिया गया, इस अभी बंद है, अभी शासन प्रशासन से देखते हैं क्या करते हैं। अभी अभी स्थिति ये बन के आई हुई है कि अभी ये रोड है जो ये गाड़ी अभी कैसे चलेगी। अब देखेंगे कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। ये आयल देख लीजिए कैसे आयल गिरा हुआ है, कैसे अब लोग चलेंगे इससे, कैसे चलने में ये स्थिति है। तो बाइक या गाड़ी या कार से कैसे जाएंगे, ये बहुत फिसलन ऐसा होता है, फिसलता है, जिससे लोगों को अभी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आखिर इस रास्ता बंद कर दिया गया है।